इनकी कहानी क्या है? वीर पिछमनाथ जी बाव जी 800 साल पहला इन घृण्यासन में तपस्या करता और नागी गादी है। नागी गादी भी ने कहा कि जो शादीशुदा नहीं रहे वे आदमी पूजा करे वे नागी गादी महाराज कहे। बाव जी ने एक चेला सम्मेलनाथ जी बाव जी बहने भी जीव समाधि है बारे आसन में इन दोनों तपस्या करता हटे। इन बाव जी ने खूब पर्चा दियोड़ा एक अमर होली करी है घृण्या गांव में जिन्हें कंठिया व्याधि रहे गला में गलगंटा रहे और कई प्रकार जो बीमारी रहे। इन बाव जी आज प्रकमा देवे खाली एक नारियल चाड़ सब ठीक रह जाए। आ करीब 800 साल पहला पीर पिछमनाथ जी बाव जी टमाण बिराजदा बैठ तपस्या करी तपस्या फलों बहुत सारा पर्चा बताया बाव जी रहा भयंकर भयंकर बीमारी है कैंसर जड़ी बीमारी है खुलकलिया है नाना प्रकार बीमारी बाव जी ठीक है। पहला घृण्या गांव में तेतरवाल जाट रेवता करीब 333 मेड़ी वे लोग रेवता पहला सिस्टम वोट है कि पहला असनी होली मंगलावनी बाद में गाँव री होली मंगलावनी सिस्टम चलते हो। एक बार टाइम है जो को होली टाइम लोग शराब वराब पिया करे एनो सिस्टम तोड़ दिया। बाबूजी था बड़ी भाई पहला घृण्या गाँव री होली मंगलाए दिन बाद में आसन पधारिया तो बाबूजी मना कर दियो कि भाई असनी होली पे नहीं मंगलावा जो को नियम हो गाँव रो वो आप लोग तोड़ दियो अब वह सिस्टम अट लागू नहीं रहना। जन लोग आप योड़ा भी आप कोई कह भी सके भाई बाबू जाना अमर कर रहे हो वो बाबू जी आप तो महाराज उन दिनों कह दिए भाई आज वो होली अमर रही यानी इन होली बाद जब आदमी पानी नहीं मंगला जो ये बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि आज से 700-800 साल पूर्व जो हमारे पूर्वज थे वो गृहस्थी नहीं होते थे और वो धार्मिक हाँ उस समय संन्यास आश्रम उनका काम था वो सेवा भाव करते थे और भगवान की प्रार्थना करते थे और उनके मुख से जो भी वचन निकलता था वो सत्य होता था। ये सत्य है ये जो आप होली के बारे में जो कुछ सुना है ये बिल्कुल साक्षात्कार है और इसका यहाँ पे ये प्रणाम है इसका ये रिजल्ट है कि आज दुनिया देख रही है। दोस्तों नमस्कार जैतर न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा मेरा नाम आईबी खान है और आप मुझे इस समय मेरे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो तो मेरे जैतर न्यूज यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। तमाम दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। दरअसल देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाता है विभिन्न तरह से अपनी अपनी संस्कृति में मनाया जाता है। सर्वविदित है कि होली के दिन होलिका का दहन किया जाता लेकिन राजस्थान के पाली जिले के जैतन तहसील के एक घरिया गांव में एक होली है जो अमर होली के नाम से जानी जाती है। जी हां तो बताना चाहूंगा कि घरिया ग्राम की यह जो अमर होली है जो जब से रोपित की गई है तब से लगाकर आज दिन तक यह अमर है यानी कि इस होली का दहन नहीं किया जाता है। लगभग 700-800 साल पहले की ये होली जो आप देख रहे हो ये घरिया ग्राम के नाथ संप्रदाय के एक आसन है इस आसन में रोपित है मौजूद है। आज भी ये होली है जो पूरी तरह से हरी भरी है। तो आखिर ये होली का दहन या क्यों नहीं होता है कब से नहीं हो रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है तो इसको लेकर आज हम इस घरिया गांव में मौजूद है। हालांकि राजस्थान में अलग अलग जगह और भी कहीं हो सकता है कि कहीं होली का दहन नहीं होता होगा लेकिन पाली जिले की एकमात्र ये घरिया ग्राम की एक अमर होली है जिसकी कहानी भी लंबी है। तो मेरे साथ नाथ संप्रदाय के बहुत सारे लोग मौजूद है जो मूलतः घरिया के और आसन में इनका निवास है। सभी महाराजों को आदेश आदेश। महाराज जी क्या नाम है आपका? महेंद्रनाथ नाम है। महेंद्रनाथ जी नाम है। हाँ बाबू जी आदेश 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 आदेश। क्या नाम है बाबू जी आपका? हापूनाथ। हापूनाथ जी आपका नाम है। तो महाराज जी से मैं जानना चाहूंगा इस अमर होली की कहानी क्या है जो दर्शक जानना चाहेंगे देश भर के लोग आपको देखेंगे वो जानना चाहेंगे क्या है इसकी कहानी और कब रोपित की गई। खान साहब पहला तो आप धन्यवाद आप पधारी घृण्यासन में करीब 800 साल पहला पीर पिछमनाथ जी बाबू जी टमाण बिराजदा बैठ तपस्या करी तपस्या फलों बहुत सारा पर्चा बताया बाबू जी रहा भयंकर भयंकर बीमारी है कैंसर जड़ी बीमारी है खुलकलिया है नाना प्रकार बीमारी बाबू जी पुनः ठीक रहा करे। अटे पहला घृण्या गांव में तेतरवाल जाट रेवता करीब 333 मेड़ी वे लोग रेवता पहला सिस्टम वोटे कि पहला असनी होली मंगलावनी बाद में गाँव री होली मंगलावनी सिस्टम चलते हो। एक बार टाइम है जो को होली टाइम लोग शराब वराब पिया करे एनो सिस्टम तोड़ दियो बाबू जी बाबू जी ने था बड़ी भाई पहला घृण्या गांव री होली मंगलाए दिन बाद में आसन पधारिया
तो बाबू जी मना कर दियो कि भाई अस नहीं होले बे नहीं मंगलावा, जो को नियम हो गांव वो आप लोग तोड़ दियो, अब सिस्टम अट लागू नहीं रहना। जन लोग आप योड़ा भी आपको कह भी सके भाई बाबू जाना तो अमर कर रहे हो बाबू जी आप, तो महाराज उन दिनों कह दियो भाई आज वो होली अमर रही यानी होली बाद जब बाद में अपन नहीं मंगलावा। तो दो चार ना जबरदस्ती भी करी बिन होली साइज भी देखो टेढ़ी है कोई खांचा खांची करी बिन बाद में बाबू जी सुनो आशीर्वाद हुआ आज तक अमर होली है जन खूब लोग खुलकुले बीमारी है कई प्रकार बीमारी है ठीक है जो को आज तो हमें वास्तव में हाचा मनू जो को भी बीमारी है अरे ठीक रह जा। आपने समझ तक ये होली आज दिन तक वैसे की वैसे देखिए आपने बिल्कुल माना चला जा आपने भी ऐसी ऐसी बस आ रहा है आ रहा होली रो आ सुनहरे नाच जी नहरे पट्टा। महाराज एक और सवाल जानना चाहूंगा, दरअसल होलिका का दहन होता है सब जगह होता है लेकिन यहाँ कोई होली दहन की परंपरा वो निभाई जाती है क्या आज भी हुई? नहीं नहीं माँ होली पूजा करिया करो उल्टी पूजा करते हैं आसन में होली नहीं मंगला उन बाद में पीर पिचमनलाल जी बाबर आदेश अनुसार माँ डेली पूजा कराई। बताना चाहूंगा कि यहाँ नाच संप्रदाय के जो पिछमर नाची है जिन्होंने इस आसन में जीत समाधि ली गई है ऐसा बताया जा रहा है और बताया जाता है कि आगामी दिनों में जो ये आसन है नाच संप्रदाय का जो आसन है इस आसन में पिछमर नाथ जी की समाधि स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जो आप इस समय ये जो छतरी देख रहे हो जो ये मंदिर देख रहे हो इसकी जगह आने वाले दिनों में भव्यतम मंदिर का निर्माण होगा और इस मंदिर के निर्माण को लेकर इस गणीय के नाथ संप्रदाय पिछले ग्रामवासी पिछले लंबे समय से सक्रिय है और आने वाले दिनों में इसकी दशा और दिशा आपको देखने को मिलेगी। मैं वापस लौट के आऊंगा उसके पहले और बताना चाहूंगा कि ये जो अमर होली है और इस अमर होली में एक और है कि ये जो इस होली की जो छाल है ऐसा बताया जा रहा है कि इस अंगुली से इस छाल को यदि उखेड़ लिया जाता है या तोड़ लिया जाता ये छाल भी कहीं ना कहीं किसी रोग में काम आती है ऐसी मान्यता और कहा जाता है कि जो सच्चे मन से जो अंतर आत्मा से यहाँ आता है उनके विभिन्न कष्टों का निवारण होता है। जो छोटे मासूम बच्चे होते उनके गले में कुछ खराश आ जाती उस खराश का भी इलाज इस होली में ऐसी मान्यता यही है वह महाराज डंडा कुलकुलिया बीजा डंडा खुराड़ा मुराड़ा सब यहाँ से जाता है और कहीं कहीं सब जको जको आप चाहो जको मन में है कि आज चीज मारे मिटने तो भगवान मेट जाते। तो ये एक आस्था है ये एक चमत्कार है महाराज जी का तप है। महाराज जी ने शायद उस जमाने में लगभग 800-700-800 साल पहले इस ग्राम में उन लोगों को जो हो सकता है होली के दिन हुड़दंग भी मचा हो आमतौर से ऐसा होता है होली के दिन हुड़दंग मचा जाता है शायद यही कारण रहा कि उस समय जो गांव की होली जलाई जाती उससे पहले ये जलती थी पहले पहला आसनी होली मंगला होता बाद में गांव नहीं मंगला होता बिन बाद में बंद रहेगा सिस्टम चेंज रिया बाद में रामा सम्मा अटे करे बाद में रामा सम्मा गांव में करे पहले ठाकुर तो सब अटे आवे सब रामा सम्मा करे जीव समाज है चेला जी जीव समाज है समाज ने सुमेल नाजी जी एपी चमन नाजी दोनों करू चला। तो गांव में एक मान्यता ये भी है कि होली के दिन जो एक भाईचारे का एक प्रेम है सौहार्दपूर्ण एक प्रेम है वो प्रेम में आस्था प्रकट करने के लिए पहले इसे आसन में आता है। आज भी गांव ठाकुर साहब बट्टा हुए नारियल चढ़ावे और बाद में रामा सभा गांव में स्टार्ट रहे पहला रामा सभा टू स्टार्ट रही। तो इस परंपरा को भी अपन को जिंदा रखना है बिल्कुल जिंदा रखना क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है युवा पीढ़ी है उनको सहित इस चीज का ज्ञान है उन्हें भी ज्ञान करवाना। हाँ महाराज जी नाम जानना चाहूंगा जगदीश नाथ जगदीश नाथ जी सहित एक्स आर्मी मैन भोजी साहब भी कहना तो इस हाँ एक्स सूबेदार जगदीश नाथ। अच्छा गर्निया के हाँ गर्निया के निवासी है और मैं भी जो ये बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि आज से 700-800 साल पूर्व जो हमारे पूर्वज थे वो गृहस्थी नहीं होते थे और वो धार्मिक हाँ उस समय संन्यास आश्रम उनका काम था वो सेवा भाव करते थे और भगवान की प्रार्थना करते थे और उनके मुख से जो भी वचन निकलता था वो सत्य होता था। ये सत्य है ये जो आप होली के बारे में जो कुछ सुना है ये बिल्कुल साक्षात्कार है और इसका यहाँ पे ये परिणाम है इसका ये रिजल्ट है कि आज दुनिया देख रही है और दुनिया यहाँ आ रही है और जो भी जिस भावना से भगवान को सच्चे मन से सेवा करता है और जो मांग करता है भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। तो ये है घरनिया गांव की
अमर होली। तो मैं बताना चाहूंगा इस समय पाली जिले के जैतान तहसील के घरिया गांव में नाथ संप्रदाय का एक आसन है, इस आसन में मौजूद हूं और आने वाले दिनों में जैसा कि बताया गया, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे वीडियो में देखा होगा, या पिचम्बर नाथ जी है जो उनका यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो बहरहाल आपको भी यदि कहीं देखना हो, कभी भी देखना हो, तो इस गर्णीय ग्राम में आप आकर देख सकते हो। ये जो अमर होली है आज भी उसी अंदाज में है, उसी लहला रही है, हरी भरी है ये होली है, लेकिन इस होली का यहाँ दहन नहीं हो। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत, मैं आईबी खान कैमरामैन आनंद राठौड़ गर्णिया के साथ जैतान न्यूज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं इस समय गर्णिया स्थित नाथ संप्रदाय के आसन में मौजूद हूँ और इस आसन में पिचम्बरनाथ जी की एक समाधि स्थल है। बताया जाता है कि महाराज के चमत्कार आज भी जीवित है। तो मेरे साथ मौजूद है एक महाराज जी, जानना चाहूंगा इनसे, जानना चाहूंगा ये पिचम्बर महाराज कौन थे, इनकी कहानी क्या है। वीर पिचम्बरनाथ जी बाबू जी 800 साल पहला इन गर्णी आसन में तपस्या करता और नागी गादी है। नागी गादी भी ने कहा कि जो शादी शुदा नहीं रहे आदमी पूजा करे वे नागी गादी महाराज कहे। बाबू जी ने एक चेला सम्मेलनाथ जी बाबू जी बहने भी जीव समाधि है बारे आसन में दोनों तपस्या करता हटे। बाबू जी ने खूब पर्चा दियोड़ा एक अमर होली करी है गर्णिया गाँव में, जिन्हें कंठिया व्याधि रहे, गला में गलगंटा रहे और कई प्रकार जो बीमारी रहे। बाबू जी ने आज प्रकमा देवे खाली एक नारियल चाड़न सब ठीक रह जा। आस्था बहुत बढ़िया है, जिन्हें सच्चा भाव है वास्तव में, जो को प्रेम बाबू जी कने जो को मंगत मांगे बाबू जी कने, बाबू जी सब इच्छा पूरी करे। कोई जाति वाती कोई मतलब नहीं है बाबू जी ने, जो को भी आप मनु आवे विश्वास हूँ जिन्हें धारणा है कुछ जावती मार काम रह जाला इनो बेड़ा पार पक्को रहे। साक्षात एक माड़े लोग तो खूब बाबू जी फायदो है, जो को बाबू जी सेवा करे वे बाबू जी हर वास्ते हर आदमी वास्ते प्रकट रहे, तैयार है 24 घंटा। आने वाले समय में सहित इसका जीर्णोद्धार होने जा रहा छत्री का या समाधि का? बिल्कुल साहब, पूरा गाँव रे सहयोग हूँ और नाथ संप्रदाय सब मिल मेरे बाबू जी रे मकनार बटारो जबरदस्त शानदार मंदिर बन रही है, जिन करीब 20-21 लाख रुपया लागत बनी, हो सके 6 महीने ठीक रह जाए पूरा मंदिर बन जाए। शायद पिछले दिन एक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ जिसमें राज के वो महाराज क्या नाम है उनका, नारायणनाथ जी, वो भी आए थे। बाबू जी ने मंदिर जो को नीव जो मोर्त हो पीर नारायणनाथ जी बाबू जी जो को रास मंडी भी रजे वेण कम कमरा द्वारा इनो नीव रो मोर्त रियो वेण सानिध्य में छत्री रो हटनी और मंदिर निर्माण रो काम पूरा रहेला वेण सानिध्य में काम रह रियो पूरा। महाराज जी मैं जानना चाहूंगा ऐसा कोई पर्व आता है जब यहाँ भजन कीर्तन होते होंगे? शिवरात्रि दिन विशेष है बाबू जी दिन जिया करे 13 दिन जागरण रहे बाबू जी और मेड़ो भरी जिया करे। तो ये है एक आस्था का केंद्र जो गर्णिया ग्राम में मौजूद है। धन्यवाद, नमस्कार।